students. So now we will be seeing the model of a single phase controlled rectifier. Okay, this is the schematic which I have just now made, and I will explain it to you how does this circuit works. Not only that, we will also see the waveform analysis for this particular fully controlled. This is fully controlled है ना. Previously हमने जो देखा था वो था आपका अनकंट्रोल्ड, यानी कि उसके अंदर हमने जो स्विचेस लगाए थे वहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर आपने पीछे, तो हमने वहाँ पे कितना डायोड्स लगाए हैं, जनरेटर लगे हुए हैं, इससे जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो इन गो टू ब्लॉक्स में जाती हैं. इन गो टू ब्लॉक्स से फिर हम उसको इस फ्रॉम ब्लॉक से इनपुट कराते हैं उस पर्टिकुलर थायरिस्टर पे, और जो भी उसका हमने फायरिंग एंगल सेट किया है इस पर्टिकुलर थायरिस्टर के लिए उसी अनुसार ये हमारा थायरिस्टर होगा फायर. और जब थायरिस्टर फायर होगा तो सप्लाई हमारा फ्लो होने लगेगा और हमारे लोड रेजिस्टर से होता हुआ यहाँ से फ्लो करके वापस आपके सप्लाई पे चले जाएगा. So this is how the your bridge rectifier is going to work. Okay, और उसके लिए मैंने अलग अलग यहाँ पे वोल्टेज सोर्सेस, ताकि हम वोल्टेज मेजरिंग ब्लॉक्स लगाए हुए हैं ताकि हम वोल्टेजेस देख सकें. ये प्रत्येक थायरिस्टर्स के अक्रॉस मैंने 4 वोल्ट मीटर स्कोप पे दिया हुआ है. लाइकवाइज यहाँ पर ये जो लोड है इसके क्रॉस का भी अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है, हमको वोल्टेज देखना है, तो यहाँ पे लगाए हुए हैं और ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको. ये इनपुट वोल्टेज, ये ए का वोल्टेज दिखाएगा, ये A6 और A5 यानी कि ये यहाँ का करंट और ये वाला वोल्टेज दिखाएगा. A1 A2 A3 A4 ये सारे जो पल्स जनरेटर हैं इनके आउटपुट वेवफॉर्म्स, यानी कि ये जब जैसे जैसे ट्रिगर होगा, यानी कि इसका जो भी फिजिकल सॉरी जो भी इसका वेवफॉर्म होगा वो आपको इन इस पे हमने यहाँ से गो टू से यहाँ पे फ्रम में डाल के इस स्कोप की मदद से हमने उसको एनालाइज करने की कोशिश करी. ओके, तो मैं एक बार रन करके आपको दिखाती हूँ. ये देखिए देखिए रन हो रहा है, अभी यहाँ पे दिखाने लगता है वो. इट विल स्टार्ट कंपाइलिंग एंड देन इट विल, आफ्टर इट इज़ ऑल डन, द सिमुलेशन इज़ डन, इट विल शो यर रेडी, एंड दैट मीन्स वी आर रेडी टू क्लिक इन टू द स्कोप एंड एनालाइज द वेव फॉर्म्स. ये आ गया इसके वेवफॉर्म से ना, ये दिख रहा है हमको. ये क्या था, इनपुट वेवफॉर्म है, ये इनपुट वेवफॉर्म और ये जो है आपके आउटपुट का करंट मेजरमेंट और ये उसका वोल्टेज मेजरमेंट. और जैसे कि मैंने आपको बताया जो पल्स पे, जो हमारे पल्स जनरेटर से जो हमने थायरिस्टर को पल्सेस दिए हैं, ये सारे उनके वेवफॉर्म्स हैं. ठीक है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल आप लोगों ने जैसे रीड किया होगा, थायरिस्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जानते हैं कि इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल थायरिस्टर T1 एंड T2 इज गोइंग टू कंडक्ट, एंड इन द नेगेटिव हाफ साइकिल थायरिस्टर T3 एंड T4 इज गोइंग टू कंडक्ट है.
तो बस वही मैंने इसके फायरिंग पल्सेस दिए हुए हैं, और इसके फायरिंग पल्सेस देकर हमने इनको आउटपुट इसका किया हुआ है, ठीक है। देखिए ये मैं इसको लिख देती हूँ थायरिस्टर, ये है मेरा थायरिस्टर नंबर 1। सिमिलरली ये वाला है मेरा थायरिस्टर नंबर 2। इसको क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आता है शो ब्लॉक नेम, इसको आप करिए T4। ये है हमारा T4 ब्लॉक, तो हमको इसको T4 लिखना है। और ये वाला जो है ये है हमारा T3, T3 थायरिस्टर है ना, ये T3 हो गया, ठीक है। ये T1 T2 वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा कंडक्ट करेगा, ये इसका वेव फॉर्म एसोसिएटेड, ये इनपुट वेव फॉर्म है। जो ये इन जो आपका इनपुट साइन वेव है, जो हमारा वोल्टेज वेव फॉर्म है आउटपुट पे, वो दिख रहा है हमको कि ऐसे रेक्टिफाइड आउटपुट आया है ना। इसको हम जूम कर सकते हैं या ठीक है, मेरे को एक्स एक्सिस के अक्रॉस में इसको जूम करना है, तो मैं इसे क्लिक करूँगी और उसके बाद इसको मैं ऐसे करूँगी, तो ये मुझे एक बेटर आइडिया देता है कि ये देखिए इसका फायरिंग पल्स किधर से स्टार्ट होगा, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। तो ये दिख रहा है हमको, ये आफ्टर सम एंगल है ना, यहाँ पे बेसिकली ये जो हमने फायरिंग एंगल लिया है, यहाँ पर हमने 30 डिग्रीज लिया हुआ है, और आफ्टर 30 डिग्रीज के बाद हमारा, यानी कि यहाँ से जब ये 0 से लेके 30 डिग्री होगा, तब हमारा जो थायरिस्टर नंबर T1 है और T2 है वो वर्क करने लगेंगे, और जब हमारा थायरिस्टर नंबर T3 और T4 वर्क करेंगे, जब वो ऑपरेशन में आएंगे, तब तो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल में जो एट एन एंगल ऑफ 210 डिग्रीज, ये जो वे फॉर्म है ये हमारी ऑपरेट होने लगती है, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल हमारा T1 एंड T2 कंडक्ट करता है, फॉर द सेकेंड हाफ साइकिल हमारे T3 और T4 कंडक्ट करता है, ओके। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसका हमने फायरिंग ये कैसे लिया है, ठीक है। तो फायरिंग एंगल हमने कैसे लिया हुआ है, तो हम लोगों को सबसे पहले तो पल्स जनरेटर चाहिए रहता है। पल्स जनरेटर हम कहाँ से लेके आते हैं, हमारे पास सिमुलेशंस में जाएंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी ब्राउज़र पे हम क्लिक करते, लाइब्रेरी ब्राउज़र पे क्लिक करके हम पल्स जनरेटर निकालते, ठीक है। एक्चुअली आपको दिखाने के लिए मैंने 2-3 मॉडल्स एक साथ ऑन करके रखे थे, इसीलिए थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा पीसी। ये है पल्स जनरेटर, ओके। इसको जस्ट आपको राइट क्लिक करके ऐड टू द ब्लॉक कर देना है, तो ये पल्स जनरेटर आपके में हमारे पास है, तो इसीलिए मैंने इसको फिर से नहीं लिया, ओके।
तो ये पल्स जनरेटर आ जाएगा। अब इसको आप डबल क्लिक करेंगे, और इसको डबल क्लिक करके हमने क्या करना है, पहले तो हमने एम्पलीट्यूड इसका 1 ही रखी है, टाइम पीरियड हमने 0.02 लिया हुआ है, हमने पाए टाइम पीरियड इसीलिए 0.02 लिया हुआ है क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। और हमको क्या करना है, सबको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स एसी सप्लाई जो है हमारा कितना है, 50 हर्ट्ज़ है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इन 1 सेकेंड 50 साइकिल्स ऑफ एसी सप्लाई जाते हैं, ओके। सो दैट मीन्स अगर हमको एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है ये आइडेंटिफाई करना है, कितने सेकेंड्स में हो रहा है, तो इट इज़ नथिंग बट 1/1/50 यू डू, सो यू विल गेट 0.02। सो वो हमने यहाँ पे पीरियड, इसीलिए पीरियड इन सेकेंड्स हमने लिखा है 0.02, ठीक है। पल्स विड्थ हमने 50 ले लिया है, और हमने फायरिंग एंगल जो पल्स दिया है हमारे रेक्टिफायर को, वो हमने 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, उसको ये फेज डिले जो है, फायरिंग एंगल ही है बेसिकली वो, उसको क्या किया हमने 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 0.02 करेंगे, तो हमको इस फॉर्मूले से 30 डिग्रीज पे हमारा ये जो थायरिस्टर है ये फायर हो जाएगा, और आपको इसको ओके कर देना है। और हमारा, मैंने बताया आपको, थायरिस्टर T1 एंड T2 दोनों की ही फायरिंग पल्सेस सेम होंगी। तो हमने दूसरा वाला जो पल्स जनरेटर लिया है उसमें भी हमने क्या लिखा है, 0.02, वही आपका फेज डिले वही लिया हुआ है, 30 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 360। और अगर हम 3 और 4 की बात करें, इसका जो पल्स जनरेटर जो पल्स दे रहा है वो है 210 पे, है ना, मतलब जो 180 डिग्री साइकिल कंप्लीट होता है, तो उसके बाद हम लोग को कितने, 210, यानी कि 180 डिग्री प्लस 30 डिग्रीज अगर आप देखें तो 210 डिग्रीज पे हमको क्या करना है, T3 और T4 को कंडक्ट कराना है। तो हमको इसको इंटू करना पड़ेगा 0.02 डिवाइडेड बाई 360, ओके। सिमिलरली अगर हम ये वाले की देखेंगे तो यहाँ पे भी आपने, मैंने बताया आपको T3 और T4 सेम फायरिंग एंगल देना है हमको, तो हमने वो कर लिया, उसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई तो आपने देखा ही है, पिछली बार जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर रखा था, बनाया था, सिमिलर ही है हमारा ये फुल वेव रेक्टिफायर, 240 वोल्ट 50 हर्ट्स रखा हुआ सप्लाई वोल्टेज। और यहाँ पे लोड भी हमारा है RLC ब्रांच लोड जो हमने लिया था, हमने 330 ओम्स का रखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने इसको रन कराएंगे, और इसके बाद जैसे अगर आप रन करा रहे हैं तो, है ना, हमने टाइम पीरियड कितना लिया हुआ है, 0.02, यानी कि 0.02 सेकेंड्स में हमारा 1 साइकिल आ जाता है। तो अगर मेरे को 6 साइकिल्स लेने हैं, मेरे को 6 साइकिल्स का जो आउटपुट है वो देखना है, तो मैं स्टॉप टाइम कितना रख लूँगी, 0.12, यानी कि 6 साइकिल्स इंटू 0.02 0.12। सो हम इसको रन करेंगे, और रन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये हमारा वेवफॉर्म हमको दिख ही रहा है, ये 30 डिग्रीज पे ऑन हो रहा है जो सेकेंड हाफ साइकिल है। ठीक है, जैसे मतलब जैसे आपका नेगेटिव हो जाता है उसी समय जो हमारा आउटपुट है ये एकदम से रेक्टिफाई नहीं होता, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, उसको फेज डिले दिया हुआ है 30 30 सेकेंड्स का, है ना। तो जब वो जीरो क्रॉस होता है उसके बाद 30 सेकेंड बाद ही ये हमारा स्विच जो है ये वर्क करने लगता है, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट होता है, और तभी हमें सप्लाई हमारे लोड को जाती है। और जितने टाइम का वो मतलब 30 सेकेंड्स 30 डिग्रीज के लिए क्या होता है, देर इज़ नो सप्लाई। और जब जब हमारे ये दोनों स्विचेस, दूसरे स्विचेस ऑन नहीं हुए हैं, तो हमारा जो आउटपुट है, कहाँ के इसका आउटपुट, हाँ, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है कुछ नहीं मिल रहा है हमको, है ना। तो आफ्टर 30 डिग्री डिले के बाद ही हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये, और ये तो पल्सेस हैं, ये आपके सारे पल्सेस दिख रहे हैं हम लोगों को, कि ये थायरिस्टर T1 T2 T3 और T4 के जो फायरिंग पल्सेस हमने दिए हुए हैं ये उसको दिखा रहा है, ये पूरा पिक्चर है ना, जैसे आपको दिख रहा है कितना है, जस्ट अ मिनट, या 6 साइकिल्स आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइकिल्स के लिए ना आपको, और जितने साइकिल्स देखने हैं आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप स्टॉप टाइम वेरी करके सिमुलेशन में, है ना, यहाँ पे आप वेरी कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद हम लोगों को वोल्टेजेस भी देखने हैं कि प्रत्येक थायरिस्टर्स के अक्रॉस में कितने कितने वोल्टेज आया है। तो उसके लिए मैंने ये देखिए, ये है हमारा,
ये वोल्टेज है जो सब्जेक्ट हो रहा है टू ऑल ऑफ द थायरिस्टर्स, है ना, ये T1, T2, T3, T4, ये सारे थायरिस्टर्स पे करीबन 230 वोल्ट्स, 230 वोल्ट्स ही आ रहा है, ठीक है। आप अगर हम बात करें सेंटर टैप्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिंगल फेस फुल ब्रिज रेक्टिफायर में दो कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है आपका सेंटर टैप्ड और दूसरा होता है फुल ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये वाला मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये कैसे मॉडल हमको क्रिएट करना है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस वाले मॉडल में हम लोगों को फुल ब्रिज कंट्रोल्ड सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो ना दो थायरिस्टर्स थे, ये दो दो डायोड्स थे, हमको इसको रिप्लेस करना है थायरिस्टर्स से, और इनको रिप्लेस करना है थायरिस्टर्स के साथ, उसके साथ में हमको उसकी पल्स जनरेटर लगाना है। तो पल्स जनरेटर लगाएंगे तो फिर हमको आउटपुट मिल जाएगा, जो कि मैंने बना के रखा है। आई विल शो यू, ये रहा, ये बनाया हुआ मैंने, ठीक है। तो ये है हमारा वही सर्किट है, इसमें बस थायरिस्टर्स को मैंने कर दिया और यहाँ पे मैंने पल्स जनरेटर्स लगा दिए। ये पल्स जनरेटर सप्लाई इसको दे रहा है और ये वाला इसको दे रहा है, और यहाँ पे लोड लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, रन करूँगी, और बाकी चीज़ें भी आप देख लीजिए। यहाँ पे भी मैंने दो वोल्ट मीटर्स लगाए हुए हैं, एक वोल्ट मीटर ये है और दूसरा वोल्ट मीटर ये है, जो कि ये दोनों वोल्टेज वोल्ट मीटर्स क्या कर रहे हैं, ये जो थायरिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज है उसको इस स्कोप पे दिखाएंगे, और ये वाला जो वोल्ट मीटर है और ये वाला जो वोल्ट मीटर है, इनके रिजल्ट को हमको ये वाले स्कोप पे देखने मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको करके करते हैं चालू। जी देखिए, हमने इसको रन किया, ये है हमारा रेक्टिफाइड आउटपुट, है ना, यानी कि ये इनपुट साइन वेव आ रहा है और ये हमको दिख रहा है कि हरे खाप साइकिल के और रेक्टिफाइड हो रही है, यूनिडायरेक्शनल हमारा आउटपुट आ रहा है इसमें, है ना, जीरो से ऊपर की ओर जा रहा है। और अगर हम बात करें वोल्टेजेस जो कि इन डायोड ये थायरिस्टर्स के अक्रॉस अप्लाई होगा, उसको देखना है हमको, तो उसके लिए ये है। इस वजह से आपको दिख रहा है जो वोल्टेजेस है, एक थायरिस्टर T1 पे कितना वोल्टेज लग रहा है, करीबन 480 समथिंग, है ना। तो मतलब जितना आप इनपुट वोल्टेज देंगे, ठीक है, जितना आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं उसका डबल वोल्टेज हमारा क्या होता है जो थायरिस्टर्स होते हैं उसके ऊपर लगता है ना। तो इस ये सेंटर टैप में ना 480 वोल्ट्स अगर आपको दिख रहा है कि हर एक टाइम पे जो हमारा थायरिस्टर्स है उसके ऊपर कितना वोल्टेज लग रहा है, 480 वोल्ट्स। इसीलिए हमने अगर हम देखें एडवांटेज ऑफ अ सिंगल ब्रिज रेक्टिफायर ओवर द फुल ब्रिज मिड पॉइंट या सेंटर टैप्ड कन्वर्टर के अंदर क्या होता है कि दिस थायरिस्टर्स आर सब्जेक्टेड टू द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ई मैक्स इन इन फुली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर्स एंड टू ई मैक्स इन सेंटर टैप्ड, ओके। इन सेंटर टैप्ड और मिड पॉइंट कन्वर्टर्स, दस फॉर द सेम वोल्टेज एंड करंट रेटिंग ऑफ थायरिस्टर्स पावर हैंडल्ड बाय द ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन इज अबाउट ट्वाइस दैट ऑफ दैट हैंडल्ड बाय द मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मतलब जो भी हमारा थायरिस्टर होता है मिड पॉइंट के केस में वो सब्जेक्टेड होता है टू टाइम्स द सप्लाई वोल्टेज उसके ऊपर आता है, और अगर हम सिंगल फेस ब्रिज कन्वर्टर की बात करें तो उसमें सिर्फ जितना भी सप्लाई वोल्टेज है वही आ रहा है। तो हम लोगों को क्या हायर रेटिंग का थायरिस्टर लेना पड़ेगा, थायरिस्टर का हायर रेटिंग लेंगे तो हमारा एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग बेसिकली यही चीज़ हम रियलाइज कर सकते हैं इतने वोल्टेज से, तो हम क्यों ना ये वाला वोल्टेज ले लें, ये वाला थायरिस्टर ले लें, ठीक है। द इन द मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन ईच ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी शुड बी एबल टू सप्लाई द टोटल लोड, एज सच ट्रांसफॉर्मर्स रेटिंग इन द मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन इज डबल द लोड रेटिंग, ओके। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसिडरेशन, दिस इज हावर नॉट द केस इन द दैट ऑफ द ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो या लाइक आई हैव टोल्ड यू, दिस वॉज द वे फॉर्म ऑफ द वोल्टेजेस दैट वी हैव सीन इन द केस ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर, एंड दीज आर द वोल्टेजेस विच वी हैव सीन इन द केस ऑफ द सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, एज इट इज़ वेरी एविडेंट दैट द वोल्टेजेस विच द थायरिस्टर्स आर सब्जेक्टेड टू इन द केस ऑफ अ सेंटर टैप्ड फुल
वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस दैट ऑफ द वोल्टेजेस दैट आर सब्जेक्टेड इन द केस ऑफ अ सब्जेक्टेड इन द केस ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन्स वाई वी गो फॉर फुल ब्रिज रेक्टिफायर. As such, both of them are doing the work, that both of them are rectifying the output of the center tap is this one, and that of that of the full bridge rectifier is this one. So both of them are doing the purpose of rectification, but the thing being ki here the advantage is they are only subjected to VM voltage, whereas in the case of center tap fully controlled rectifier they are subjected to two times that of the supply voltage. Okay, so that is the comparative analysis of both. I will be making the video for independently for the if you want, like fully controlled rectifier and center tap rectifier, these models how I have implemented it, I can make it. So if you are interested to know how I have made these models, so you can just comment. Okay, thank you.